आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का, कि इस ड्रिंक को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पीने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पीने के क्या क्या नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडबुल एक एनर्जी ड्रिंक है जिसे ऑस्ट्रियन रेडबुल जीएमबीएच कंपनी बनाती है। रेडबुल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है जिसके 650 करोड़ से भी ज्यादा कैन हर साल बिक जाते हैं। आजकल पार्टी, क्लब और मौज मस्ती में रेडबुल खूब पिया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। रेडबुल में कैफीन, टॉरिन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, विटामिन बी, B3, B5, B6, B12, कार्बोनेटेड वाटर, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। कई लोग ये शक करते हैं कि रेडबुल बनाने में टोरिन को बुल स्पर्म से बनाया जाता है, यानी सांड के वीर्य से बनाया जाता है, जबकि हकीकत में इस टोरिन को सिंथेटिक तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है। अब हम बात करते हैं कि रेडबुल पीने से होता क्या है। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, इसका मतलब ये है कि इसमें अल्कोहल नहीं होता, इसलिए रेडबुल पीने से नशा तो बिल्कुल नहीं होता। असल में रेडबुल में कैफीन होता है। कैफीन वो केमिकल होता है जो चाय, कॉफी, कोला और दूसरे फूड आइटम्स में नेचुरल रूप से पाया जाता है। कैफीन के इस्तेमाल से तुरंत ब्रेन एक्टिविटी आती है, इसलिए चाय कॉफी पीने से आलस दूर होता है, दिमाग तरोताजा और थकान भी कम महसूस होती है। रेडबुल के एक कैन में एक कप कॉफी के बराबर कैफीन होती है। रेडबुल के एक कैन में 80 mg कैफीन होता है, जबकि एक स्टैंडर्ड कॉफी के कप में 80 से 90 mg कैफीन पाया जाता है। इसके अलावा रेडबुल में टोरिन होता है जो कि एक तरह का एमिनो एसिड होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि रेडबुल पीने से नशा नहीं बल्कि दिमागी और शारीरिक एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है, लेकिन रेडबुल पीने से होने वाले असर बस 2-3 घंटे में ही खत्म होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेडबुल पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ज्यादा रेडबुल पीने से चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, ऐंठन, दिल की धड़कन का तेज होना, बेचैनी, घबराहट, डायरिया, बहुत ज्यादा यूरिन पास करना, मतली उल्टी आना, चक्कर आने की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ केसेस में रेडबुल पीने पर दिल की धड़कन बढ़ने से हार्ट अटैक होना भी देखा गया है। ऐसे लोगों ने एक दिन में रेडबुल या दूसरी एनर्जी ड्रिंक के 8 से 10 कैन पिए थे। रोजाना रेडबुल पीने से शरीर में कैफीन बढ़ता जाता है। कैफीन की बहुत ज्यादा मात्रा से इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है जिससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। यही नहीं, बहुत सारे देशों में बच्चों और टीनेजर्स को रेडबुल बेचना गैर कानूनी है क्योंकि इससे मोटापा, लिवर डैमेज, दौरे पड़ना जैसी हेल्थ प्रॉब्लम होने के केसेस देखे गए हैं। जिम जाने वाले या एक्सरसाइज करने वाले लोग किसी गलत फहमी में रेडबुल पीने की गलती ना करें। आप ये बात समझ लीजिए कि रेडबुल जैसे एनर्जी ड्रिंक पीने से मस्कुलर बॉडी या हेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक पीने के जहां कुछ फायदे हैं तो वहीं इसके काफी सारे नुकसान भी है। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक पीने से आपकी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और आप अपने अंदर काफी एनर्जी फील करते हैं। इसलिए अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पर आपको एनर्जी की काफी जरूरत पड़ती है, तो आप एक रेडबुल मार करके जाए, आपको इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली तो ये कि एक दिन में आपको एक रेडबुल से ज्यादा कभी नहीं पीनी चाहिए। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसने भी ये क्लियर किया है कि एक दिन में एक से ज्यादा रेडबुल पीना खतरनाक है। और दूसरी चीज ये कि आपको इसकी हैबिट कभी नहीं बनानी चाहिए कि आप रोजाना ही रेडबुल पीना शुरू कर दें। मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप ऐसी चीजों से दूर ही रहे तो बेटर है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।